अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है, लो आ गई बड़ी खबर। जरा दोस्तों इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक में यह है कि बीएड का एक साल का कोर्स क्या है, बीएड का दो साल का कोर्स क्या है, बीएड का चार साल का कोर्स क्या है। आपको दोस्तों एक बात और आपको बता दें, पिछले साल तक ये बातें हो रही थी कि डीएलएड का भी दोस्तों जो कोर्स है वो चार साल वाला भी होगा, दो साल वाला भी होगा। लेकिन दोस्तों इस साल नई शिक्षा नीति में डीएलएड के चार साल के कोर्स की कोई बात नहीं कही गई, लेकिन दोस्तों वहां पर एक बात और मेंशन की गई कि 2030 के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी जो न्यूनतम अर्हता होगी वो होगी आपकी बीएड का कोर्स। ठीक है, अगर आप बीएड करेंगे तो ही आपको नौकरी दी जाएगी। फिर सोशल मीडिया पर दोस्तों एक और अभियान शुरू हो जाता आपका कि डीएलएड बन गया बीएड। ठीक है, डीएलएड बीएड भाई भाई, ऐसा दोस्तों क्या सच में ऐसा है कि दोस्तों जो बच्चे डीएलएड कर लेंगे उसका नाम आगे चलकर बीएड वाला सब कुछ एक हो जाएगा? इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको जरा आप देखेंगे, परीक्षा होगी या प्रमोट होंगे। ये बात दोस्तों आज हम 1 अगस्त तक भी बात कर रहे हैं, वैसे दोस्तों आज रात हो चुकी है, बस 2 तारीख आने वाली है 2 अगस्त। तो ठीक है, तो परीक्षा रद्द कराने को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी चल रहा है छात्रों का। और देखिए इस समय दोस्तों जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तारीख आपको बता देकर, आपको पता है कि नहीं, उसका पेपर 9 तारीख को होने वाला, उसको लेकर दोस्तों छात्र सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिए कि दोस्तों जो पेपर 9 अगस्त को होने वाला है वो परीक्षा कैंसिल हो या पोस्टपोन हो या दोस्तों बाद में कभी हो। तो सोशल मीडिया पर जो छात्र बातें कर रहे हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बातें हो रही है उस पेपर को लेकर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो डीएलएड में दोस्तों जो छात्र हैं इस समय, तो उनको अभी 2019 बैच के छात्रों को यूपीटेट और सीटेट 2020 वाला मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज। पहले आपको बता दें सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं, इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए शुभम तिवारी जी कहते हैं, सर से लेकर पैर तक पीपीई किट पहने हुए हमारे सम्मानित डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहे, वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं। कोरोना वायरस की बात हो रही है और आप सोच रहे हैं कि एक थर्मल डिटेक्टर से हम छात्र बच जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कई ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी वो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। पुनः विचार करिए, ये निर्णय घातक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही, सही बात है कि WHO ने भी दोस्तों ये बात मानी है कि बहुत से ऐसे मरीज उनको मिलते हैं जिनमें बुखार खांसी जुकाम के लक्षण नहीं होते, लेकिन उनमें कोरोना का संक्रमण होता है। देखिए बहुत से लोगों का जो शरीर होता है वो इम्यून सिस्टम बहुत ही जबरदस्त होता है और बहुत आसानी से वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात सभी के शरीर पर लागू नहीं होती। मतलब मान लेते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो फिर आपका क्या होगा, फिर तो आप में सर्दी जुकाम खांसी वाले लक्षण आ जाएंगे। देखिए एक बात और आपको बता दें, हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 257,000 से ज्यादा नए मामले आने के बाद डर का माहौल बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आपको कोरोना होता है तो फिलहाल आपको फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि हमें कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट्स मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। आपको बता दें दोस्तों हमारे देश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से अब तक ठीक भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों ये नंबर बहुत ही बड़ा है, 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक होना एक अच्छी रिपोर्ट है, तकरीबन 11 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बीएड का एक साल का कोर्स क्या है, बीएड का दो साल का, बीएड का चार साल का। वैसे दोस्तों आप लोग डीएलएड कर रहे हैं लेकिन आपके घर में भाई बहन होंगे और आपके दोस्त भी होंगे जो सोच रहे होंगे डीएलएड करें या बीएड करें, तो उनके पास क्या विकल्प होगा और क्या दोस्तों सच में डीएलएड के छात्रों को बीएड में आगे चल के मर्ज कर दिया जाएगा या कुछ एक कर दिया जाएगा? आजकल आपने देखा होगा बहुत से बैंक को मर्ज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों कुछ बैंक को एक ही में कर दिया गया, तो क्या ऐसा डीएलएड और बीएड में हो सकता है? आपको बता दें दोस्तों डीएलएड का जो इतिहास है ना वो बहुत ही अच्छा रहा है। पहले इसका नाम बीटीसी हुआ करता था, तो लड़के भी भाई बड़े खुश रहते थे। पहले दोस्तों एक नियम हुआ करता था, योगी सरकार ने दोस्तों आकर यहाँ पर सुपर टेट की परीक्षा डाल दी, नहीं तो पहले कोई पेपर नहीं होता था। सिंपल सी बात है, जिन बच्चों की मेरिट अच्छी होती थी उनको सीधे नौकरी दे दी जाती थी, सिर्फ आपको एक TET की परीक्षा पास करनी होती थी, यूपीटेट या सीटेट, उसको पास कर लीजिए बस, उसमें भी कोई नंबर उसके जोड़े नहीं जाते थे, खाली वो पासिंग मार्क होना चाहिए, बाकी दोस्तों आपका जो इंटर हाई स्कूल जो ये सब परसेंटेज थे उसको जोड़कर ही आपको नौकरी दी जाती थी। बहुत ही आसान प्रोसेस होता था और इसमें दोस्तों एक वरीयता दी जाती थी। अगर मान लेते दोस्तों जिससे इस समय डीएलएड के 2018 बैच और 2019 बैच, दो बैच के छात्र इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसमें प्रायोरिटी स्त्री दी जाती थी, पहले 2018 बैच के छात्रों को नौकरी दे दी जाए उसके बाद 2019 बैच के छात्रों को नौकरी दी जाए।
तो मतलब बहुत ही अच्छा दोस्तों किसी ने बना रखा था बीटीसी या डीएलएड, तो नौकरी पाना बहुत ही आसान था। एक समय दोस्तों लोग गारंटी के साथ बोलते थे, भाई तू बीटीसी कर ले, तुझे आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। ये बात बिल्कुल सच थी। लेकिन दोस्तों जब से ये सुपर टेट वाला मैटर आया, उसके बाद दोस्तों बीएड का यहाँ पर आ जाना, उसके बाद दोस्तों नौकरी पाने की गारंटी खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में अगर दोस्तों आप बीटीसी या डीएलएड का कोर्स करते हैं तो कोई भी गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना हो चुका है और प्रियोरिटी सब खत्म। अगर कोई बच्चा 2019 बैच का छात्र है डीएलएड का, और कोई बच्चा 2018 बैच का है, भले 2018 बैच का छात्र सीनियर है, लेकिन उसको नौकरी में कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो ये सब दोस्तों कुछ बातें गलत थी। जो बच्चे सीनियर हो रहे थे उनको पहले नौकरी दी जाती तो बेहतर होता, ताकि दोस्तों एक तरफ से बेरोजगारी खत्म होते हुए आगे बढ़ती। तो चलिए दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं। बीएड का 1 साल का कोर्स क्या है, देखिए जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहेंगे उनको 1 साल का ही कोर्स कराया जाएगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करेंगे उनको 2 साल का, जो बच्चे इंटर के बाद बीएड का कोर्स करेंगे उनको 4 साल का। इस समय दोस्तों डीएलएड क्योंकि बात तक नहीं कर रहा सोशल मीडिया पर, एक समय था कि पिछले साल तक दोस्तों आपको बता दें, जब तक बीएड मतलब और डीएलएड में थोड़ा बहुत दूरी थी, मतलब बीएड के बच्चे बीएड वाली नौकरी अपनी टीजीटी पीजीटी देखते थे, डीएलएड वाले बच्चे अपना सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर की नौकरी देखते थे, तब तक डीएलएड में बहुत सी बातें होती थी। सरकार का भी दोस्तों प्रयास था कि जो डीएलएड का कोर्स है उसको भी 4 साल का कर दिया जाए इंटर के बाद, लेकिन दोस्तों इस बार नई शिक्षा नीति आती तो वहां सिर्फ बीएड का नाम मेंशन किया गया कि आने वाले टाइम में जो टीचर बनना चाहते हैं कम से कम उनके पास बीएड की डिग्री तो होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों डीएलएड की बातें काफी कम हो रही, तो कुल मिला के वही है ना कि डीएलएड पर जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर डीएलएड के छात्रों को एक्टिव होना पड़ेगा और अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी दुनिया को। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करिए, तो पता चलना चाहिए सरकार को यहाँ पर डीएलएड के भी छात्र हैं, क्योंकि देखिए इस समय लाखों छात्र जो डीएलएड कर रहे हैं और यह कर चुके हैं उनका भी भविष्य दोस्तों फंसा हुआ पड़ा है। ठीक है, नौकरी जो है वो डीएलएड के लिए स्पेशल भी है या आपको प्राथमिकता दी जाए तो ही आप नौकरी पा पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे। देखिए अगर आपको डीएलएड और बीएड को मर्ज किया जाता है तो कुछ कंडीशन के साथ मर्ज किया जाए तो बेहतर होगा। अभी फिलहाल किया नहीं गया, अभी तक कोई ऐसी अपडेट भी नहीं, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर बात हो रही तो हमने सोचा हम भी कर लेते हैं। डीएलएड और बीएड को एक करने की बात हो रही है कि आगे चलकर डीएलएड और बीएड एक हो जाएगा। एक होने का मतलब दोस्तों ये होना चाहिए कि जो बच्चे बीएड के छात्रों को जो फायदा मिलता है, जैसे दोस्तों बीईओ की वैकेंसी आती है खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिलता है, डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर डीएलएड के छात्रों को मौका दे तो डीएलएड और बीएड को हम एक मानेंगे। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है यहाँ पर सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों बीएड के साथ डीएलएड छात्रों को मौका दिया जाए तो हम डीएलएड और बीएड को एक मानेंगे। ऐसी दोस्तों बहुत सी कंडीशंस होती है, बहुत से ऐसे पेपर है जहां पर सिर्फ बीएड छात्रों को मौका मिलता है डीएलएड छात्रों को नहीं, अगर वहां दोनों को मौका दिया जाता है तो फिर समानता होगी, फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि हाँ डीएलएड और बीएड मर्ज हो गया, अब एक हो गया, आप चाहे डीएलएड कर ले चाहे बीएड कर ले, फिर आपकी नौकरी फिक्स है। ये सब दोस्तों बातें हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, लेकिन सरकार प्रयास जरूर करेगी, नहीं तो फिर डीएलएड का जो भविष्य होगा वो थोड़ा खतरे में होगा। देखिए इस समय दोस्तों डीएलएड के छात्र काफी पिछड़ चुके हैं, आज हमारी तारीख 1 तारीख हो गई, मतलब आप समझ रहे हैं, आज तो 2 तारीख होने वाली, वैसे अब 1 तारीख हम बात कर रहे हैं, 1 साल अब बीत चुके हैं स्पेशली 2019 बैच के छात्रों के लिए। पिछले साल उन्होंने 2019 अगस्त में एडमिशन लिया था बड़े खुशी के साथ कि चलो हम डीएलएड करने जा रहे हैं और हमें आगे चलकर नौकरी मिलेगी। नौकरी दोस्तों दूर का सपना हो गया, अभी तक आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर तक नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, पेपर होगा ना फिर सोशल मीडिया पर अभियान चढ़ जाएगा, टॉपिक आएंगे दोस्तों, ऐसे ही आप लोग कमेंट करेंगे किस समय दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, हम आप पेपर देने कैसे पहुंचेंगे, बहुत सी दिक्कतें बताएंगे। तो फिलहाल ठीक है, पेपर नहीं हो रहा बढ़िया है, लेकिन प्रमोट करने की दोस्तों जो बात है या तो प्रमोट कर दिया जाए या कुछ ना कुछ विकल्प तलाशा जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया जाए और आगे चलकर जब सेकंड का पेपर आपका करा लें, अगर उसमें पास हो जाते तो फर्स्ट में भी वही नंबर दे के बात खत्म कर दी जाए, ये भी किया जा सकता है। तो इसको लेकिन आप बोलेंगे प्रमोट कर दिया गया आपको। तो बहुत सी दोस्तों बातें जो चल रही है सोशल मीडिया पर, और आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए, हम बस ये कहना है वीडियो के माध्यम से जो डीएलएड के छात्र हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रहते हैं, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पर रहिए और अपनी बात रखिए, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव बातें रखिए, निगेटिव बातें मत करिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल जानते हैं ना कितना मॉनिटरिंग हो रही है सोशल मीडिया की, तो गलत कुछ लिखेंगे तो फिर दिक्कत भी होती है, तो गलत मत लिखिए, अच्छा अच्छा लिखिए। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देते रहेंगे। आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किए ना, लाइक वाली बटन को दोस्तों नीला जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है जब लाइक वाली बटन नीली दिखती है ना, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक काम आप भी करिए, बाकी दोस्तों अपडेट्स पहुंचाने का काम हम आप तक करते रहेंगे। फिलहाल देखिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर टीएनपीसी के अपडेट,
फिलहाल रक्षाबंधन का समय दोस्तों अपडेट्स तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आपको अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ बीएड के छात्र देखिए पूरी ताकत से मुहिम चला रहे हैं कि परीक्षा उनकी कैंसिल हो, और देखिए काफी हद तक हमें लग भी रहा है कि बीएड के छात्र सफल हो सकते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना के मामले तेजी से हमारे देश में फैल रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के रोज मामले हजारों से ऊपर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 100-200 मामले आते थे, लेकिन आज 1000-2000 या 3000-3000, 4000 तक मामले आ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। देखते हैं दोस्तों सरकार क्या करती है आने वाले टाइम में। फिलहाल आप लोग अफवाहों से बचिएगा, फिलहाल अफवाह ये फैल रही है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है, अभी ऐसा नहीं है। जब तक दोस्तों कोई ऑफिशियल आदेश की विज्ञप्ति या कॉपी सामने ना आ जाए, तब तक आप मत यकीन करिएगा, नहीं तो फिर परेशान होंगे आप। ठीक है, लेकिन आपका जो मन करे समय पढ़ने का पढ़ सकते हैं, फ्री है, इसको मान के चलिए। बाकी पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत आप लोग डीएलएड का भी देखिए अपना, क्योंकि डीएलएड के छात्रों की जो बात है वो काफी कम सुनी जा रही है आजकल, ये भी देखने को मिल रहा है। और बीएड का दोस्तों नाम ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग भी जेलेसी फील कर रहे होंगे, क्योंकि बीएड 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 हो रहा है जगह, डीएलएड की बात दोस्तों काफी कम हो गई। नहीं तो कुछ साल पहले जब इसका नाम बीटीसी हुआ करता था ना, तो फिर दबदबा काफी था बीटीसी का, लोग बोलते थे कि बीटीसी कर लो नौकरी फिक्स है, लेकिन दोस्तों आज के डेट में कोई नहीं बोलता डीएलएड कर लो नौकरी फिक्स है। नाम बदलने से देखिए कितनी चीजें बदल जाती हैं। अब अगर डीएलएड का नाम बीएड हो जाएगा फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बातें चले तो हमने आपको बता दिया, तो ये मत सोचिएगा डीएलएड के छात्र बीएड के छात्र एक हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डीएलएड में दोस्तों आपको पढ़ाई की जाती है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाली स्पेशली दी जाती है, फिर उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी इन सब बातों से उम्मीद काफी कम है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई ना कोई कोर्स आपको भी कराकर आपको नौकरी दी जा सकती है आगे, ऐसी बात नहीं कि डीएलएड अगर आप कर लेते हैं तो फिर। देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपको डीएलएड का मौका भी मिलता है और बीएड का मौका भी ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है, तो दोनों कोर्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो अगर डीएलएड और बीएड एक हो जाएगा तो उसके अपडेट्स हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ठीक है, और फिलहाल आप लोग अफवाह से बिल्कुल बच के रहिए, और बीएड का दोस्तों जो कोर्स है मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको होगा, डीएलएड का भी दोस्तों 4 साल की बात थी, फिलहाल अभी कुछ हो नहीं रहा है तो हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल परीक्षा होगी या प्रमोट होंगे उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जब भी क्लियर होगा हम आप तक अपडेट लाएंगे। फिलहाल उम्मीद काफी ज्यादा है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।